हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सम्राट एजुकेशन। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप लोगों को बीएससी एग्रीकल्चर फिफ्थ सेमेस्टर की एक विषय कम्युनिकेशन स्किल एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट एजी 508 का दो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराने वाला हूं, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों का शेयर भी जरूर कीजिएगा। और यदि आप लोगों को इसका पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक, व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, मैसेज करके आप इसका पीडीएफ भी ले सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है, संचार कौशल और व्यक्तित्व विकास क्या होता है? ठीक है, संचार कौशल, कम्युनिकेशन स्किल और पर्सनालिटी डेवलपमेंट, ठीक है, क्या होता है? तो संचार कौशल मतलब बोला जाता है इसको अंग्रेजी में कम्युनिकेशन स्किल, व्यक्तित्व विकास मतलब होता है पर्सनालिटी डेवलपमेंट। तो वही पूछ रहा है, संचार कौशल और व्यक्तित्व विकास क्या होता है? संचार कौशल मतलब कम्युनिकेशन स्किल एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट क्या होता है? तो संचार कौशल व्यक्ति के व्यक्तित्व को निखारता है। संचार कौशल जो है कम्युनिकेशन स्किल व्यक्ति के पर्सनालिटी को निखारता है और परिपक्वता लाने का काम करता है। इसके माध्यम से अन्य लोगों के विचारों, व्यवहार और व्यक्तित्व में परिवर्तन लाया जा सकता है। ठीक है, समझिएगा, जहाँ पर व्यक्तित्व है वहाँ पर पर्सनालिटी यदि पढ़ेंगे तो आपको आसानी से समझ में आएगा, और जहाँ पर संचार कौशल दिया गया वहाँ पे कम्युनिकेशन स्किल पढ़ेंगे तो ठीक है। तो कम्युनिकेशन व्यक्ति के पर्सनालिटी को निखारता है और परिपक्वता लाने का काम करता है। इसके माध्यम से अन्य लोगों के विचारों, व्यवहार और पर्सनालिटी में परिवर्तन लाया जा सकता है। संचार कौशल में भाषाओं की शुद्धता और सुव्यवस्था होना आवश्यक है, इसके अभाव में उचित संचार संभव नहीं होता है। ठीक है, तो संचार क्या है, मैंने आप लोग बताया, संचार कौशल जो है वह व्यक्ति के व्यक्तित्व को निखारता है और परिपक्वता लाने का काम करता है। संचार कौशल मतलब बोलने की आपकी कैसी कला है, आप कैसे किसी से बात कर रहे हैं। ठीक है, आप कैसे किसी से बात कर रहे हैं, आप किसी के सामने अपने बात को कैसे प्रस्तुत कर रहे हैं, वह होता है संचार कौशल। और वही बात जब दूसरे के सामने रख रहे हैं तो आपकी उसका पर्सनालिटी पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, वही होता है पर्सनालिटी डेवलपमेंट। ठीक है, अपनी पर्सनालिटी को क्या कर रहे हैं आप, डेवलपमेंट डेवलप कर रहे हैं। तो संचार कौशल व्यक्ति के व्यक्तित्व को निखारता है और अन्य परिपक्वता लाने का काम करता है। इसके माध्यम से अन्य लोगों के विचारों, व्यवहार और व्यक्तित्व में परिवर्तन लाया जा सकता है। संचार कौशल में भाषाओं की शुद्धता और सुव्यवस्थित होना आवश्यक होता है, इसके अभाव में उचित संचार संभव नहीं है। ठीक है, तो संचार करते वक्त आपकी जो भाषा है वह शुद्ध होनी चाहिए और सुव्यवस्थित होनी चाहिए, नहीं तो आपका संचार जो है वह सुव्यवस्थित नहीं हो पाएगा। ठीक है, संचार संभव ही नहीं हो पाएगा। चलिए, तो पहला क्वेश्चन हो गया, छोटा सा था, दूसरा क्वेश्चन लॉन्ग है, और दूसरे क्वेश्चन में ही आपका 2 से 3 से 4 क्वेश्चन छिपा हुआ है। ठीक है, चलिए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। संचार कौशल की परिभाषा बताइए, डेफिनेशन ऑफ कम्युनिकेशन स्किल। तो चलिए देखते हैं कम्युनिकेशन स्किल की परिभाषा। तो एडगर डेल के अनुसार संचार का अर्थ सूचनाओं और विचारों का आपस में आदान प्रदान है। ठीक है, संचार का अर्थ क्या है, संचार का अर्थ यही है कि सूचना और विचारों का आपस में आदान प्रदान, मतलब आप किसी से मिलेंगे तो आप अपने अंदर की जो सूचना है उनको देंगे और उनके अंदर की जो सूचना आपको देंगे, तो यही होता है संचार। ठीक है, संचार क्या होता है, संचार का अर्थ होता है मतलब कोई माध्यम जिसके माध्यम से क्या कर सकते हैं आप अपने अपने बातों को दूसरे तक पहुंचाते हो, उसी को बोला जाता है संचार। ठीक है, तो सूचनाओं और विचारों के आपस में आदान प्रदान को संचार बोला जाता है। इसके बाद वारेन एंड वेबर आए, उन्होंने बताया कि यह एक ऐसी क्रिया तंत्र है जिसके द्वारा एक मन दूसरे मन को प्रभावित करता है। इसका मतलब कि आप लोग समझिएगा, वारेन एंड वेबर ने यह बताया कि यह एक ऐसी क्रिया तंत्र है या ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक मन दूसरे मन को प्रभावित करता है। जैसे मान लीजिए मैं आप लोगों को थोड़ा सा मोटिवेट कर रहा हूँ, ठीक है, मैं आपको मोटिवेट करूंगा तो आपको क्या, आपका मन क्या होगा, हमारे मन से प्रभावित हो जाएगा। तो वही बोला है कि वारेन एंड वेबर ने यही बोला कि संचार एक ऐसी क्रिया तंत्र है जिसके द्वारा एक मन दूसरे मन को प्रभावित करता है। ठीक है, चलिए देखते हैं संचार कौशल के प्रकार, टाइप ऑफ कम्युनिकेशन स्किल। तो यह बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, देखिए ये 5 प्रकार का होता है और पांचों में से एक या दो जरूर एग्जाम पूछेगा, 100% एग्जाम में एक या दो जरूर पूछेगा। ठीक है, तो कम्युनिकेशन जो होता है 5 प्रकार का होता है, वर्बल कम्युनिकेशन मौखिक संवाद, ठीक है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, विजुअल कम्युनिकेशन, देखिए ज्यादा से ज्यादा वर्बल और नॉन वर्बल पूछता है, विजुअल कम्युनिकेशन, लिसनिंग और रिटेन कम्युनिकेशन। ठीक है, ये 4 जो मैंने 5 बताया, लिखित संचार, सुनने की जो कला होती है उसको, दृश्य संचार, गैर मौखिक या अनका संचार, मौखिक संवाद, यही 5ों से एक एग्जाम में जरूर पूछेगा। चलिए सबके बारे में हम लोग देखेंगे, सबसे पहले देखेंगे वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है।
वर्बल कम्युनिकेशन का मतलब होता है मौखिक संचार। मतलब क्या होता है मौखिक संचार? मतलब हम बोल कर दूसरे को अपनी बात को कहेंगे, ठीक है। हम जब बोल के दूसरे के सामने बातचीत करते हैं तो उसी को बोलता है मौखिक संचार। और यह फोन, जैसे फोन से किसी से बात करते हुए होता है, रेडियो में रेडियो सुनते हैं उससे भी होता है, टीवी देखते हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग देते हैं, ये सब भी क्या है, ये सब मौखिक संचार होता है, ठीक है। तो मौखिक संचार तब होता है जब हम बोलकर दूसरों के साथ बातचीत करते हैं। मौखिक संचार तब होता है जब हम बोलकर दूसरे के साथ बातचीत करते हैं। संचार का यह तरीका सीधे या परोक्ष रूप में किया जाता है। सीधे का मतलब आमने सामने बैठ कर भी किया जा सकता है और दूर से भी किया जा सकता है। जैसे मैं मान लीजिए यहाँ से बोल रहा हूँ और आप लोग वहां से सुन रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं, तो यह क्या, यह ये भी एक मौखिक संचार है। क्या है? एक मौखिक संचार है, ठीक है। तो यही बोल रहा है कि मौखिक संचार तब होता है जब हम बोलकर दूसरों के साथ बातचीत करते हैं। संचार का यह तरीका सीधे या परोक्ष रूप में किया जा सकता है, जैसे फोन, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, रेडियो, टेलीविजन इत्यादि पर भी किया जा सकता है। क्या? वर्बल कम्युनिकेशन। चलिए देखते हैं, वर्बल कम्युनिकेशन को दो भागों में वर्गीकृत किया गया है, ठीक है। जो वर्बल कम्युनिकेशन है इसको भी दो भागों में बांटा गया है। पहला है फॉर्मल और दूसरा इनफॉर्मल। जब हम कार्यालय के मीटिंग में बातचीत करते हैं तो उसको बोला जाता है फॉर्मल, ठीक है। जब हम कोई कार्यालय उसमें मीटिंग में बातचीत करेंगे तो उसको बोला जाता है फॉर्मल। और इनफॉर्मल का मतलब होता है जब हम किसी मित्र के साथ पार्क या घर पर परिवार के साथ बातचीत कर रहे हो तो उसको बोला जाता है इनफॉर्मल, ठीक। चलिए आगे चलते हैं, देखेंगे नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन मतलब गैर मौखिक संचार। मतलब गैर मौखिक संचार में चेहरे की अभिव्यक्ति, मुद्रा, उंगली से इशारा करना, नजरों का संपर्क, हाथों की गति, सिर हिलाना और स्पर्श आदि शामिल होता है, ठीक है। कहने का मतलब यह है कि इसमें क्या किया जाता है, इसमें इशारों से लोगों से बात किया जाता है, ठीक है। इशारों के माध्यम से लोगों से बात किया जाता है, चेहरे की अपने भाव को बदल कर लोगों को बताया जाता है। जैसे गुस्सा हो गया तो गुस्सा होने पर कुछ अलग टाइप का चेहरा बन जाता है, ठीक है। खुश होने कुछ अलग टाइप का। और किसी को बुलाना है तो आप लोग हाथों से इशारा करके बुलाते हैं, बोलते नहीं है, तो उसको बोला जाता है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, ठीक है। तो ये हो गया नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। गैर मौखिक संचार में चेहरे की अभिव्यक्ति, मुद्रा, उंगली से इशारा करना, नजरों का संपर्क, हाथों की गति, सिर हिलाना और स्पर्श आदि शामिल होता है। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन महत्वपूर्ण है क्योंकि यह सूचना प्राप्त करने वालों के ध्यान स्तर के बारे में अधिक सटीक विवरण देता है, जैसे कि बातचीत के दौरान श्रोता कितना गंभीर है या नहीं इत्यादि की जानकारी भी हो जाती है। चलिए आगे देखते हैं, तीसरा विजुअल कम्युनिकेशन। तो यह भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वर्बल नॉन वर्बल के बाद सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। और रिटन कम्युनिकेशन है, इसके बाद हम लोग बाद में विजुअल कम्युनिकेशन लास्ट में हो सकता है देखेंगे, ठीक है। तो रिटन कम्युनिकेशन, लिखित संचार, मौखिक संचार के बाद दूसरा सबसे अधिक प्रभावशाली संचार के तरीकों में से यह एक है, ठीक है। लिखित संचार जो है वर्बल कम्युनिकेशन के बाद दूसरा सबसे अधिक प्रभावशाली संचार में से एक है। जैसा कि देखिए यहाँ पर भी लिखा गया, सभी आधिकारिक संचार जैसे एक विभाग से दूसरे विभाग में सूचना का प्रवाह, एक संगठन से दूसरे संगठन और एक दूतावास से दूसरे सूचना का प्रसारण लिखित रूप में किया जाता है। मतलब जैसे देखिए चिट्ठी भेजते हैं ना, पत्र भेजते हैं, चिट्ठी भेजते हैं, तो यह सब क्या है, यह सब भी आप लोगों का एक रिटन कम्युनिकेशन है। आप व्हाट्सएप पर मैसेज लिखकर भेज देते हैं, वह भी एक रिटन कम्युनिकेशन ही होगा क्योंकि लिखित रूप में भेज रहे हैं, ठीक है। लिखित रिटन स्किल का मतलब, रिटन कम्युनिकेशन मतलब कि आप लिख कर या बात करते हैं उसको बोला जाता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, लिसनिंग, सुनने की संचार। तो सुनने का कार्य आज के समय संचार के अत्यधिक मांग वाले तरीकों में से एक है, ठीक है। सुनने का कार्य जो है आज के समय में संचार के अत्यधिक मांग वाले तरीकों में से एक है, क्योंकि अगर हम किसी व्यक्ति को नहीं सुन सकते तो हम उसके साथ प्रभावी ढंग से बातचीत भी नहीं कर सकते, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि आप कहीं पर गए, मान लीजिए मेले में गए, ठीक है। मेले में यदि आपको किसी से बात करना है, वहां पर बहुत भीड़ है तो वहां पर शोर भी बहुत अधिक होगा, तो आप क्या बोलेंगे उनको सुनाई नहीं देगा अच्छे से, वह क्या बोलेंगे आपको अच्छे सुनाई नहीं देगा, तो वहां पर अच्छे ढंग से संचार नहीं हो सकता, बातचीत अच्छे ढंग से नहीं हो सकता। तो यही होता है क्या, आप लोगों का लिसनिंग, ठीक है। आगे देखते हैं विजुअल कम्युनिकेशन। तो विजुअल कम्युनिकेशन मतलब दिन रात चलने वाली फिल्मों, धारावाहिक, वेब श्रृंखलाओं, टेलीविजन और समाचारों के बारे में जरा सोचिए, वे सभी अपने उद्देश्यों को दूरदर्शन संचार के माध्यम से बहुत ही चतुराई से पूरा करते हैं। कहने का मतलब यह है कि आप लोग जब टीवी देखते हैं, ठीक है, फोन चलाते हैं, जैसे फोन में देख रहे हैं, विजुअल कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है, दूर से आप लोग बैठ कर किसी भी चीज के बारे में देख रहे हैं, जैसे मैं यहाँ से पढ़ा रहा हूँ आप लोग वहां से देख रहे हैं, तो यह जो दिख रहा है आप लोग को विजुअल कम्युनिकेशन है। टीवी देख रहे हैं वो विजुअल कम्युनिकेशन है, कंप्यूटर पे देख रहे हैं वो सब विजुअल कम्युनिकेशन, ठीक है। विजुअल कम्युनिकेशन का मतलब है कि आप के सामने आपकी नजरों से दिखने वाला जो भी प्रोसेस होता है उसको बोला जाता है, जब किसी माध्यम से आपके सामने प्रस्तुत किया जाता है चित्र को, दृश्य को, तो उसको बोला जाता है विजुअल कम्युनिकेशन, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं,
अगला क्वेश्चन है संचार कौशल की विशेषता बताइए। ठीक है, संचार कौशल की विशेषता बताना, देखिए अभी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो संचार कौशल व्यक्ति के व्यक्तित्व को निखारता है और परिपक्वता लाने का काम करता है। संचार कौशल जो होता है, कम्युनिकेशन स्किल, व्यक्ति के पर्सनालिटी को निखारता है और परिपक्वता लाने का काम करता है। इसके माध्यम से अन्य लोगों के विचारों, व्यवहार और व्यक्तित्व में परिवर्तन लाया जा सकता है। संचार के माध्यम से अन्य लोगों के विचारों, व्यवहार और व्यक्तित्व में परिवर्तन लाया जा सकता है। संचार कौशल में भाषाओं की शुद्धता, सुव्यवस्था होना आवश्यक है। ठीक है, संचार कौशल में भाषाओं की शुद्धता और सुव्यवस्था होना आवश्यक है। इसके अभाव में उचित संचार संभव नहीं है। निरंतर अभ्यास से संचार कौशल को विकसित किया जा सकता है और संचार की कला में स्थिरता लाई जा सकती है। ठीक है, यदि निरंतर अभ्यास करेंगे, निरंतर प्रयास करेंगे तो संचार कौशल को विकसित किया जा सकता है और संचार की कला में स्थिरता भी लाई जा सकती है। इसके तहत शरीर के अंग और इंद्रियों के बीच उचित संतुलन बना रहता है ताकि संचार को प्रभावी बनाया जा सके। ठीक है, तो यही था आप लोगों का कम्युनिकेशन स्किल एंड पर्सनैलिटी डेवलपमेंट AG 508 का दो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि मैंने आपको बताया, और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोनों क्वेश्चन एग्जाम के लिए। ठीक है, इसके बाद भी अभी एक वीडियो और आएगा और 7 बजे तक हो सकता है वह वाला वीडियो भी आ जाए, तो आप लोग इसको भी जरूर देखिएगा। और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर भी जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।